12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 people, 500, 1000 people, एंड यूज टू सी somebody टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउनलाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो वो किया, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था, उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धजियां उड़ाई थी कि भाई व्हाटएवर, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर दी थी मैंने ऑलरेडी, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे करी थी, स्पेशली अपने रिलेटिव्स के साथ में। जो मतलब यहां से मैंने ये सीखा है, और अगर आप मेरे से जानना चाहो तो कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनसे ज्यादा बड़ी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लेते हैं, उनको आप माँ बहन की गालियां देकर के चुप नहीं करा सकते ना, जो रिलेटिव्स हैं, तो वहां पर चुप ही रहो। तो वो किया, उसके बाद में साथ साथ में KM के अंदर, दैट इज केरोड़ी मल कॉलेज जहां पर मैं था, वहां पे कुछ फैशन शोज करे एज अ मॉडल। ये KM में साथ साथ में चल रहा था मॉडलिंग का, उधर से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी से निकला एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहां पर एक लिक्विड सोप करके एक प्रोडक्ट होता था। तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं खुद ही बना दूंगा लिक्विड सोप, क्या बड़ी बात है। मतलब वो 400-500 रुपए का था वो लिक्विड सोप की जो डब्बा था, तो मैंने खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करी इन द रेंज ऑफ अराउंड 10-15 रुपए की रेंज में, जिसकी कॉस्ट मुझे आती थी 5 रुपए के आसपास। तो दिल्ली में एक जगह है घंटाघर करके, तो मैं वहां पर गया। वहां पर कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और घोलते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक लिक्विड सोप तैयार हो जाती है। मुझे लगा कि इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स में फर्क ही क्या है, कि वो 400 रुपए का है और ये 10 रुपए का है, इसमें फर्क ही क्या है। तो मैंने अपने आसपास में जाकर के बेचना शुरू कर दिया, तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे में फूलों के साथ में लिक्विड सोप बहुत काम आएगी आपकी, फर्श साफ करना इससे अपने घर का। तो कहने का मतलब दैट वाज अ मल्टीपर्पज लिक्विड सोप, ये मैंने इन्वेंट करी थी, ये जो लिक्विड सोप है उसके कुछ टेस्ट कराए देखने के लिए कि जो मैंने बनाई है लिक्विड सोप और वो जो 400 रुपए वाली उसमें क्या फर्क है, कुछ सर्टिफिकेशन आए ये वो। तो कहने का मतलब बड़ा डीपली इसके अंदर गया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिला करा, लेकिन ये भी फेल हो गया, चला नहीं। इसमें भी मजाक खूब उड़ा फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आ गया लिक्विड सोप वाला, आ गया तो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने कोई भी बड़े पंगे नहीं लिए लाइफ में, अगर आप ध्यान से मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, बड़े पंगे इन द सेंस कि कोई भी ऐसा पंगा जहां पर के बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो या एकदम से सड़क पे आ जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे पंगे। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी वहां पे 4-5 हज़ार रुपए लगे थे, तो दैट वाज नॉट अ बिग रिस्क। 2,500 रुपए में पैम्फलेट निकाले थे व्हाट टू डू आफ्टर 10+2, तो वो भी कोई ज्यादा मेजर नहीं था। लिक्विड सोप बनाई घंटाघर में जाकर के, इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं, 500-700 रुपए लगे थे, प्लस बस में आना जाना 10-10 रुपए की टिकट, तो आप अगर लगाओ तो 1,000-1,500 रुपए उसमें लगे थे। तो कहने का मतलब छोटे छोटे पंगे, छोटे छोटे पंगे लेता चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहां पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुई थी जो मैंने घर वालों से पैसे लिए थे, दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था, बट दैट वाज वर्थ इट। मतलब वहां से जो सीखा प्रैक्टिकली, दैट इज अमेजिंग, जो मुझे आज पता है कि वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है। एनीहाउ, फिर मैंने अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा जो KM में मेरे साथ में था, वो भी एज अ मॉडल, उसने अपना कहीं से फोलियो बनवाया था, तो दैट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी, और फिर फोटोग्राफी में मैंने शुरू में बहुत फ्री के शूट्स करे अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, इनके उनके, पकड़ पकड़ के आ जा भैया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बच्चा बड़ा बूढ़ा किसी को नहीं छोड़ा। मतलब जो भी मिल जाता था कि भाई मैं तैयार हूं कराने के लिए, तो आज आप तू बस, और छोड़ता नहीं था उसको। मतलब ये नहीं कि अगर मैं फ्री में कर रहा हूं तो बस उसका किया फटाफट से छोड़ दिया, नहीं। मतलब अगर वो सुबह आया है मेरे पास में, जब तक वो रो नहीं पड़ेगा, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाएगी, शाम भी क्या, रात नहीं हो जाएगी, शाम इज अ रॉन्ग वर्ड, रात नहीं हो जाएगी, क्योंकि शाम तक भी क्या होता था, हल्की हल्की लाइट आ रही होती थी। जैसे हमारे घर के पास में एक छोटा सा एक पार्क था, वहां पर एक फाउंटेन सा बना हुआ था जो चलता नहीं था,
पूरा गंदा सा था, वो मेरी बड़ी अच्छी जगह थी क्योंकि वहां पे एक लाइट लगी हुई थी, तो वहां पे अंदर फाउंटेन में ले आकर के बंदे को बिठा देता था, लाइट के पीछे से उसकी हल्की सी शक्ल, भयानक फोटोग्राफ्स मतलब वो दिख रही होती थी, लेकिन तब तक भी थोड़ी थोड़ी फोटो आ रही होती थी, तो छोड़ता नहीं था उसको मैं, मतलब सुबह बुलाता था और शाम तक लगा रहता था। कहने का मतलब था, आई वॉज टू पैशनेट अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग फोटोग्राफी एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 25-30,000 रुपीज इन अ मंथ, मतलब नेट आप कह सकते हो 20-25,000 रुपए यहां से फोटोग्राफी से कमा रहा था, इतना काम चल गया था। फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई, वो मेरा एक फ्रेंड आया, उसके साथ में मैं गया, कहीं ना कहीं कीड़ा तो था ही, वो थोड़ा और बड़े लेवल की थी, वो बंद हो गई थी, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, जापान लाइफ नाम से थी, तो वो उस टाइम पे बहुत चलती थी, मतलब वहां पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वॉज अराउंड 70,000 रुपीज की ज्वाइनिंग, और वहां पे गेम भी बहुत बड़ा था, मतलब इट वॉज लाइक बहुत बड़े लेवल पे थी वो जो कंपनी थी। तो फिर मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे, तो उसमें से कुछ पैसा तो जो बंदा मेरे को ले करके गया था उसने डाले, कुछ मैंने अपना कैमरा बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लिया, ये लिया वो गया करके उस कंपनी के अंदर घुस गया। वहां पर 11 महीने के अंदर अंदर मैं एक ऐसे लेवल पे आ गया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब डीडी एक लेवल होता है, वहां पर लेवल्स होते हैं, तो मेरा एक नेटवर्क बन गया था करीबन 125 लोगों का, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 1-1.25 लाख रुपए महीने का एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन अंदर से आया कि नहीं अपनी खुद की कंपनी खोली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, तो मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। तो इस डिसीजन को सुन करके घर वाले थोड़ा घबरा भी गए थे, सबकी सजेशन यही थी कि इतनी आफत क्या है, 4-5 महीने बाद कर दियो रिजाइन, समझ रहे हो ना, कि मतलब इतना काम किया है तो 11 महीने में रिजाइन करने की क्या जरूरत है, मतलब यू कैन वेट फॉर अनदर 5-6 मंथ्स, तो 6-7 लाख रुपए वहां से आ जाएगा, तो कुछ होगा पैसा, फिर रिजाइन कर दियो। मैं कहा नहीं, अब मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे तो अब यहां पर मजा नहीं आ रहा है, देयर इज नथिंग मोर हियर, यहां पर जो मुझे नहीं लग रहा कि यहां पर कुछ और हो सकता है, तो वहां से रिजाइन किया और फिर अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। सेल वाइज देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो कंपनी, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया, जो लगाया था वो भी गया, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन दी पार्टनरशिप विच आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हियर। उसके बाद में मैंने वहां से जब निकला तो मैंने अपनी एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा सेमिनार के अंदर, उल्टी किताब, वो भी फ्लॉप हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से मेरा एक बहुत पुराना एक फ्रेंड है, अपना कहीं से फोलियो बनवा करके लाया, तो उसका मैंने फोलियो देखा करा, तो वापस से याद आया कि अरे मैं तो फोटोग्राफर हूं मैं बैठ करके दुखी क्यों हो रहा हूं। फिर मैंने वापस से कैमरा खरीदा और वापस से कुछ लाइट्स वगैरह खरीदी, और बेसिक ही अपने घर में ही अपने कमरे में, टॉप फ्लोर पे मेरा एक कमरा था, उसी में मैंने सारे बेड वेड हटा के और हल्का सा बैकग्राउंड लगाया, 2 लाइटें लगाई और कैमरा लिया और शुरू। तो वापस से आई स्टार्टेड मेकिंग 30-40,000 रुपीज अ मंथ, लेकिन फिर उसमें एक लेवल पे आकर के अटक गया। तो फिर उसके बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया फोटोग्राफी के अंदर। उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आई थिंक बता चुका हूँ लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में, तो मैं वहां से आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर, आई विल नॉट से द बेस्ट फोटोग्राफर, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स बैठे थे वहां पर, बट आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज दैट आई वाज डूइंग, मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गया वहां से, और आप कह सकते हो बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से वहां पे मैं ग्रो करता चला गया। लेकिन फिर अंदर से आया कि नहीं, अब ये मजा नहीं आ रहा जब पीक पे था वो काम, मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली के आप कह सकते हो वी वर द टॉप एजेंसी इन दिल्ली, दैट वाज अगेन अ बिग शॉक फॉर एवरीबडी, ये क्या बदतमीजी ये काम जहां पर इतना कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे डिसीजन होते हैं, मतलब ओवरनाइट मैंने कहा कि नहीं ये बंद हो रहा है, तो वो बंद कर दिया, स्टॉक शूट करने शुरू कर दिए, इमेजेस बाजार के ऊपर काम शुरू हो गया था इन द ईयर 2005। दिस वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो आज भी मैं फोलियो शूट कर रहा होता, जहां पे पैसा तो बहुत आ रहा होता लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन जीरो होती लाइफ में। तो वहीं पे मैंने कॉल ले लिया कि आज के बाद हम मॉडल से 1 रुपए भी नहीं लेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं होंगे हमारे यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, स्टॉक शूट करेंगे। वो आइडिया कैसे आया था, क्या था, वो मैं पहले अपने सेशन में बता चुका हूँ। फिर उसके ऊपर 2005 में काम शुरू हुआ, 2006 में लॉन्च हुई जो वेबसाइट है हमारी, एंड इट वॉज अ बिग डिजास्टर, वो बुरी तरह से फेल हो गई, वहां पर कुछ नहीं हो रहा था कुछ महीनों तक, 6-7 महीने तक, क्यों, क्योंकि आईटी की मेरे को नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद में मैंने खुद डीपली समझा सारा कि भाई ये क्या होता है, कैसे डेटाबेस डिजाइन होता है, कैसे क्वेरीज बनती हैं, क्या लैग्स हैं, क्या बग्स हैं, क्या है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, ये वो सारा समझा, साइट को पूरी तरह से रिवैम्प किया, साइट ठीक हुई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहां से फिर इमेजेस बाजार आगे बढ़ता ही चला गया।
and it became a huge success. We are the largest company in the world as far as Indian content is concerned, Indian videos, Indian images. तो ये है अजीबो गरीब सी कहानी मेरी. चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.